नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास बातचीत ईटी नाउ स्वदेश पे। आज हमारे साथ शंकर शर्मा वापस जुड़ गए हैं बात करने के लिए। बाजार पे उनका व्यू और जनरली लाइफ पे भी उनसे काफ़ी गाइडेंस लेते ही रहते हैं अक्सर। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आशा करते हैं कि आपका आगे आने वाला साल बहुत ही शानदार हो। लेकिन उससे पहले ये बताइए, आपने न्यू ईयर की पार्टी कहाँ में मनाई थी? मैं आपको भी हार्टली रेसिप्रोकेट करता हूँ नए साल की शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। और ये मेरा मानना है कि 2023 का साल 2022 से कहीं बेहतर निकलेगा भारतीय निवेशकों के लिए। तो आपके चैनल पर तो मैं उनको एक यही कह सकता हूँ कि पैसे खूब बने, लेकिन पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है जो इंसान को सुख देता है, उसके साथ में इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट इंसान को स्वस्थ भी होना चाहिए। तो मैं आपके दर्शकों को और आपको भी ये एक शुभकामना देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आप पैसे भी बनाएं और स्वस्थ भी रहें इस साल। बिल्कुल, हमेशा आपने इस बारे में बहुत तवज्जो दी है, पहले भी हमने बात की, हम फिर बात करेंगे आगे। ये बताइए कि जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं यहाँ भारत में, हम जो है जब अगले दिन डे आफ्टर जिसे कहते हैं, जब उठते हैं तो सुबह सुबह हमें दुबई की आतिशबाजियाँ दिखाई देती हैं अक्सर, वो विजुअल्स। और आप तो दुबई में हैं ही हैं। इस साल भारतीय इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने सूझबूझ के काम किया, उनके पोर्टफोलियोज में भी आतिशबाजियाँ हुई। लेकिन 2023 में आपको किस तरह का मार्केट नज़र आता है, जब वॉर का फियर पीछे है, इन्फ्लेशन भी शायद पीक आउट हो गया है, कौन सी चीजें आपको बहुत बड़े मॉनिटरेबल होंगे कि वापस से उन पोर्टफोलियोज में आतिशबाजियां होंगी जब हम दिसंबर में बात कर रहे होंगे अगले साल? कौन सी ऐसी चीजों पे आपका ध्यान रहेगा? तो मेरा ये मानना है ये है कि जो प्रॉब्लम है जो मार्केट को 2021 के समझ लीजिए थर्ड क्वार्टर से एक तरह से ग्रस्त कर रही थी, जो इन्फ्लेशन तो स्टार्ट हो गया था तभी और वॉर फरवरी में, आई थिंक फरवरी या मार्च पिछले साल स्टार्ट हो गया था, तो वो सारी चीजें अब टू अ लार्ज एक्सटेंट रियर व्यू मिरर में है। मैं वॉर को कभी ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहता हूँ कि वॉर का कोई मीनिंग नहीं है। जहां पर हो रहा है, जिन लोगों पर बीत रही है, वो तो एक बहुत ही मतलब दुखदायक बात है। लेकिन अब जिंदगी ऐसी है कि दुनिया में हर चीज हर टाइम पे बिल्कुल फेयर या जस्ट नहीं होता है और लाइफ गोज ऑन। सो मेरे ख्याल से जो बाजार है और भारतीय बाजार है, उन्होंने ये प्रॉब्लम पीरियड को बड़ी अच्छी तरह से नेविगेट कर लिया। और एक बार वही होता है लाइक इन क्रिकेट, एज आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सेइंग, एक बार आप टफ पिच पर आउट ना हो और आप ठीक ठाक एक रन गति से आपने रन बना लिए हो, ओवर में आपने 10 रन नहीं बनाए हो, ओवर में 3 रन लेकिन विकेट नहीं खोए, तो पिच तो इज आउट होगा ही होगा, 1 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो, अगले दिन हो। अब ये पिच जो है वो ईज आउट हो गया है और इस इजी पिच पर अब बैटिंग रिलेटिवली इजियर लगेगा निवेशकों को, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज्वार भाटा था, इन्फ्लेशन के डेटा प्रिंट्स थे, वॉर का था, वो मोर और लेस मेरे ख्याल से इन द रियर व्यू है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर मेटल की प्राइसेस देखें जो कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी की से लिंक्ड है, तो स्टील के प्राइसेस आप स्विंग पर है। कल मैं एक कंपनी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्टील के प्राइसेस काफी स्ट्रांग है एंड डाउन स्ट्रीम स्टील प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी वापस रिवाइव हो गई है, जो थोड़ा सा स्लो डाउन था मॉनसून के पीरियड में। तो ये सब चीजें एक इंटरेस्टिंग पहलू दे रही है कि इकोनॉमी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो हो सकता है कि पिछले साल जितनी प्रबल ना हो, लेकिन कोई बहुत उसमें कोई मंदी नहीं है। जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1% जीडीपी आगे पीछे ग्रोथ में फर्क हो जाए, लेकिन मोर और लेस द ट्रेजेक्टरी इज वेरी स्ट्रांगली अपवर्ड्स। शंकर, मैं आपके व्यूज पढ़ रहा था, आप ये कह रहे हैं कि 2023 में भारत जो है सम ऑफ द बहुत ही स्ट्रांगेस्ट मार्केट हो सकता है, दो तीन बड़े बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में भी शामिल हो सकता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती हैं इंडियन मार्केट के जो सेटअप दिखाई दे रहा है एज वी स्पीक राइट नाउ? मेरा ये मानना अजय ये है कि भारतीय मार्केट एक रिफ्लेक्शन है, भारत एक देश का और एक बैरोमीटर है और एक इंडिया का
आप सब यही देश का स्टॉक प्राइस होता है उसका स्टॉक मार्केट। और ये चीजें, ये जो मार्केट की स्ट्रेंथ है, ये हमें ये काफी जोर जोर से कह रही है कि भारत की जो जो फाउंडेशनल ग्रोथ है, जो कई वर्षों से आप समझ लीजिए, मैं तो बोलता हूँ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ, जो हर लेवल पर हमने अपने चुनौतियों को कॉन्कर किया, चुनौतियों से सामना किया, चुनौतियों को कमजोर बनाया, खुद को मजबूत बनाया, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजों को देखें आप फ्रॉम 1947, वो चीजें क्रिटिकल मास पे जाके पहुंचती हैं। और अब वो भारत की जो इकोनॉमी की एक साइज है जो $3 trillion की, अब वो एक सीरियस लेवल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की टॉप 4-5 इकोनॉमीज में आ गया इन टर्म्स ऑफ साइज, नॉट इन पर कैपिटा, वो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ साइज। एंड साइज का एक अपने आप का एक महत्व है, बिकॉज जब स्केल एंड साइज होता है किसी इकोनॉमी का, जस्ट एज स्केल एंड साइज किसी कंपनी का होता है, तो अपॉर्चुनिटीज का जो स्केल होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो अगर कंपनी के आप हिसाब से देखें तो किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 500 करोड़ है, तो उसको फंडिंग के ऑप्शंस, उसको ग्रोथ के ऑप्शंस, उसको क्वालिटी इन्वेस्टर्स, क्वालिटी बैंकर्स, इवन क्वालिटी कोलैबोरेशंस का जो एक जैसे प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होता है। वो जब 5,000 करोड़ होता है तो वो सारी चीजें 10 गुना नहीं होती है, वो 50 times हो जाती है अपॉर्चुनिटीज, फंडिंग सोर्सेज, कोलैबोरेशंस, कंपनीज ओवरसीज वांटिंग टू टाई अप विद यू। और जब 50,000 करोड़ होता है मार्केट कैप, तो उसकी जो स्केल होती है वो 2.5-3 lakh crore की हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। सेम है एक इकोनॉमी के लिए भी, हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी 400 बिलियन पे थे और 300 बिलियन पे था, आज हम 3 trillion पे है, तो खाली 10 गुना नहीं, यहाँ 20-30 times हो गया। और जब 3 का 5 होगा और 7 होगा, वो होना ही होना है, तो एक जर्नी है, वो तो एक होना है, वो मैटर ऑफ टाइम है। तो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज भारत में आज की डेट में है, स्केल ऑफ एड्रेसेबल मार्केट जो आज की डेट में है, छोटे से छोटे बिजनेस को अगर आप देखें जाके, मैं तो छोटी कंपनियों में ही निवेश करता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, उन सबके एड्रेसेबल मार्केट्स $500 million की है, $1 billion की है, 4,000, 5,000, 8,000 crore की है। ये एक स्केल है जो ऑब्वियसली साइज के साथ ही आएगा। तो ये चीजों को देख के मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल भारत के सामने और कोई बाजार टिक ही नहीं सकता। साहब बहुत ही शानदार बात की है। मैं आपकी छोटे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा और बात करूंगा, क्योंकि हमारे स्वदेश के व्यूअर्स को भी बड़ी रुचि रहती है, कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं, तो कुछ बारीकियां आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स पे आपकी राय जानना चाहता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर छोटे और मिड कैप ही हैं अभी, और अब उनके यहाँ अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। ऐसा एक स्पेस निकल के आ रहा है, रोड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा कंपनीज। आपको याद होगा एक दशक पहले तक इतना बड़ा सेक्टर हुआ करता था, उसके बाद बाजार ने पनिश किया, बैलेंस शीट्स खराब हुई और वो एकदम श्रिंक हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स वापस आ रहे हैं और ऑर्डर फ्लोज इम्प्रूव हो गए हैं। क्या उस स्पेस में आपको रुचि होगी जिस हिसाब से कैपेक्स का हो रहा है, या आप कुछ केयरफुल रहने के लिए बताएंगे, क्या कहेंगे आप व्यूअर्स को? मैंने सच बात तो ये, मैंने इस सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। मैं इस सेक्टर में बहुत अर्ली इन्वेस्टर था 2003-04 के टाइम में, जब ये सेक्टर की एक ग्रोथ का एक सामने नजर आ रहा था, ऑर्डर बुक्स बिल्डअप हो रहे थे, वैल्यूएशन बहुत चीप थे, 1x book, इवन पॉइंट HCC जैसी कंपनी 0.5x book पे ट्रेड कर रही थी, IVRCL जैसी कंपनी 1x book पे ट्रेड कर रही थी, और सबकी काफी अच्छे ऑर्डर बुक्स थे। तो मैंने उस वक्त निवेश किया था इनमें और काफी पैसे बनाया, और 2007 में नजर भी आने लगा था कि अब इनका एक पीक आउट हो रहा है, बिकॉज अनप्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक बना रहे हैं ये लोग, सिर्फ मार्केट को दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑर्डर बुक 10,000 crore का है, 20,000 crore का है, लेकिन उसमें प्रॉफिट एलिमेंट वर्चुअली नेग्लिजिबल, इनफैक्ट नेगेटिव भी है। तो तब मैंने शेयर बेच भी दिया और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। उसके बाद से मैंने स्मॉल कैप के क्षेत्र में जो बैलेंस शीट इंटेंसिव बिजनेसेस हैं और कैपिटल और जो कैपिटल खाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हो सकता है कुछ स्मॉल कैप कंपनियां अच्छी करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी को वही करना चाहिए जो एक लॉजिकल आधार पर अपने को ठीक लगे और जहां पर मुझे कंफर्ट रहे कि यहां पर मैं ज्यादा पैसे नहीं खो सकता हूं, बैलेंस शीट की लेवरेज नहीं है, बैलेंस शीट कंट्रोल में चलती हो, तो मैं उस तरह कंपनियों में ज्यादा रुचि रखता हूं आज के डेट में, बनिस्पत की कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल्स ने भी एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखी,
कुछ दीपक नाइट्राइट टाइप के नाम तो 100-100 गुना हो गए थे, बट 4-5 साल में केमिकल कंपनीज एकदम साइडवेज हो गई, ओनरशिप कम हो गई। आपने केमिकल्स स्पेस में भी काफी काम किया हुआ है अर्ली, और अब ये व्यू बन रहा है कि शायद समय आ रहा है कि स्पेशलिटी केम एग्रो केम कंपनी जो इंडिया की है वो चाइना प्लस वन यूरोप प्लस वन बेनिफिशरी हो जाए, और कुछ कंपनियां और बड़ी बन सकती हैं। इसमें भी अमूमन 4-5 बड़ी कंपनी छोड़ के ये मिड कैप स्मॉल कैप वाला एरिया है, आप इसमें रुचि रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ रुचि। मैं कंपनियों को देख भी रहा हूँ, शायद कुछ निवेश करूं भी, अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन छोटी केमिकल कंपनियां हैं। केमिकल्स में देखिए साहब, एक पहले क्लियर हो जाना चाहिए छोटे निवेशकों कि ये रिस्की इंडस्ट्री है। रिस्की क्यों है? क्योंकि प्राइस की फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल साइड पे और आउटपुट साइड पे दोनों काफी वायलेंट होता है। एंड कोई भी इवेंट हो, जैसे चाइना अगर कुछ लॉकडाउन कर दे, या यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो, या यूरोप रशिया यूक्रेन वॉर एक नए लेवल पे जाए, तो सारी चीजों का प्रभाव जितना स्टॉक मार्केट पे पड़ता है शायद उससे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री में पड़ता है। बिकॉज एंड प्रोडक्ट की बहुत वॉलिटिलिटी होती है डिमांड में, और रॉ मटेरियल की जो सोर्सेज होते हैं वहां भी बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये बड़ा रिस्की सेक्टर है। यहाँ पर बहुत लंबा व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये पहले केवियाट देना चाहता हूँ, मैंने पैसे बनाए सेक्टर में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुश्किल है इस पे सेक्टर में पैसे बनाना, बिकॉज लॉन्ग रेंज विजिबिलिटी नहीं होती आपको एंड एंड प्रोडक्ट प्राइस की और इनपुट प्राइस की। विद दैट केवियट, अगर आपको कुछ एज है आपके पास स्पेशल उस इंडस्ट्री में, उस केमिकल में, केमिकल भी बहुत वाइड इंडस्ट्री है साहब, मतलब केमिकल कंपनियां खुद नहीं जानती कितना कितनी वाइड वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपको इतना आपने रिसर्च किया हो तो करें, वरना ये सेक्टर हाईली प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का काम है। ये एक आम निवेशक इस सेक्टर में जाके पैसे बना ले, मेरा ये मानना है, बहुत ही जोखिम का काम है। शंकर, हमने देखा कि आप नए एज कंपनीज और सेक्टर्स और सनराइज सेक्टर्स में भी काफ़ी रुचि रख रहे हैं। रिसेंटली आपने एक ड्रोन कंपनी में को बैक किया है, और ये एक देखने वाली बात ये है कि 3 दशक बिताने के बाद भी आप नए नए एरियाज में रिसर्च करने के लिए, और भले ही रिस्की हो, बेट लेने से कतराते नहीं हैं। तो इसके बारे में बताएं कि बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स आ रहे हैं हमारे देश में, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं एसएमई में भी और मेन बोर्ड में भी, और तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे आपने अपना डिसीजन लिया, और न्यू एज सनराइज सेक्टर में कोई भी चुनाव करें एक सेक्टर का या स्टॉक का, तो लोगों को कैसा ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात अजय ये है कि भारत में आईटी सर्विसेज को ही हम समझते हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बट रियलिटी की आईटी सर्विसेज एक सर्विसेज इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कहना उनको थोड़ा सा एक ओवर रीच है। भारत में अभी तक प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज हार्डली कोई लिस्ट हुई है, हार्डली हार्डली। जो आप अमेरिका में देखें, चाइना में देखें, ताइवान में देखें, तो मतलब सैकड़ों है, भारत में हार्डली एनी है। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडस्ट्री अंडर रिप्रेजेंटेड हो अपने मार्केट कैप में, उस इंडस्ट्री का शेयर ऑफ मार्केट कैप बढ़ना है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ अजय, बहुत एक रेलेवेंट एग्जांपल है। आज से 25 साल पहले, 90s के सेकेंड हाफ की बात बता रहा हूं, मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, अपने रिसर्च टीम और देवीना हेड ऑफ रिसर्च, हम लोग सब डिस्कशन कर रहे थे, और मैंने एक सिंपल बात पूछा कि भारत का जो जीडीपी का कॉम्पोजिशन है वो क्या है, कितना सर्विसेज, कितना एग्रीकल्चर, कितनी मैन्युफैक्चरिंग। तो इकोनॉमिस्ट ने टीम में बताया कि करीब 50-52% उस वक्त सर्विसेज होता था, और बाकी एग्रीकल्चर छोटा था और बाकी मैन्युफैक्चरिंग था। ओवर टाइम ऑब्वियसली पाई चार्ट शिफ्टेड मोर टू सर्विसेज। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही है, अब मुझे बताओ सेंसेक्स में या टॉप 100 कंपनी में सर्विसेज की कंपनियां कितनी है, डोमेस्टिक सर्विसेज। और हमने जब देखा तो साहब कोई सर्विसेज कंपनी ही नहीं थी, मतलब हार्डली, बिकॉज उस वक्त हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुए नहीं थे, मतलब एचडीएफसी बैंक की जस्ट लिस्टिंग हुई थी, बाकी कुछ खास नहीं था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नॉट लिस्टेड और वेरी स्मॉल मार्केट कैप्स। मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी जीडीपी का कॉम्पोजिशन 50% सर्विसेज है, तो मार्केट का भी कॉम्पोजिशन कम से कम उतना तो पहुंचना ही पहुंचना है, जो आज हार्डली 10% है, मे बी 15% था जो भी फिगर था उस वक्त। इट वॉज लार्जली मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इन टर्म्स ऑफ द सेंसेक्स कॉम्पोजिशन। अगर आज आप 25 साल के बाद देखें, तो लार्जली इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी।
तो आप भारतीय आ गया, सर्विसेज कंपनी आ गई, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, आपकी बैंक इतनी बड़ी हो गई जो 40% हो गए इंडेक्स के, यू नो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, सारी सर्विसेज कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अब अगर देखे कंपनियों में इंडेक्स में तो वो बल्कि मोटा मोटा जाके जो जीडीपी का वही रिफ्लेक्शन आ गया। तो ये एक ब्रॉड टॉप, कई बार टॉप डाउन थिंकिंग से इंसान को बहुत इंसाइट मिलता है। आज मेरी ये थिंकिंग है टेक का जो एक हिस्सा है बाकी देशों में तो वो पाई चार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है और भारत में है ही नहीं, इस हिस्से को बढ़ना ही पड़ना है। ये पाई चार्ट का एक छोटा जो पीस है, पिज्जा का छोटा स्लाइस है जो हार्डली एक इंच का आज की डेट में स्लाइस हो, उसको बढ़ के कम से कम 6 इंच पे जाना जाना है, 100% जाना है। अब ये कैसे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो आप इसमें अप्रोच ये ले कि आप ये जो फालतू की कंपनियां जो सो कॉल्ड टेक कंपनियां आती हैं जो जो नॉर्मल एक ऐप बना के बोलती है मैं टेक हो गया हूँ और जोमेटो हो ये है और नाइका, ये सब कोई टेक नहीं है साहब, ये तिल पुरानी चीजों को हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब होगा प्योर टेक्नोलॉजी जो बना रही कंपनियां, उसमें एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेके चले बिकॉज इसमें फेलियर रेट बहुत हाई होगा, इसमें हो सकता है 20 कंपनियों में से 5-10 फेल हो जाएं, लेकिन जो 2-4 सक्सेसफुल होंगी वो 25 गुना 50 गुना पैसे देंगी आपको, अगर मैं ब्रॉडली अगर इस तरह की थिंकिंग करूं। लेकिन ये क्षेत्र में पैसे डालने चाहिए ही चाहिए बिकॉज इसकी रिप्रेजेंटेशन इन आवर मार्केट कैप इज नेक्स्ट टू जीरो। बहुत बढ़िया बात कही आपने, किस तरह से सेक्टर का चुनाव किया जाए ये मुझे बताएं। आप मैन्युफैक्चरिंग की आपने थोड़ी बात की, यहाँ सरकार का भी बहुत बड़ा फोकस नज़र आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली वो आइटम्स का जो अभी तक हम बहुत हद तक इंपोर्ट करते आए हैं या इंपोर्ट पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बट उसके चलते कैपेक्स भी हो रहा है यहाँ पे, वापस से ट्रिगर ऑन हो रहा है। आपने इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे इंटरेस्ट लिया है? नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, देखा है लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा रुचि नहीं आया क्योंकि मैं वो इंडस्ट्रीज को थोड़ा अवॉइड करता हूँ जहां जहां गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता हूँ इन टर्म्स ऑफ बीइंग द बायर। तो डिफेंस में गवर्नमेंट, तो मैंने अभी तक उतना ध्यान दिया नहीं है साहब इसमें। ठीक है, ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें वो भी 8-10 साल के बाद वापस निकलता हुआ नजर आ रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं, स्पेशली क्योंकि कैपेक्स होगा तो कैपिटल गुड्स, और यहाँ भी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप बेयरिंग कंपनीज, इंजन ऑयल कंपनीज, दुनिया भर की यू नो मेटलर्जिकल काम करने वाली कंपनी जो बड़े कैपेक्स को फीड करती हैं अवेलेबल हैं, जो अर्ली साइंस सेलेक्टिवली दिख रहे हैं कि शायद वापस आ रही हैं। आप यहाँ पे आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ और उसमें है अच्छी कंपनियां है और नजर आता है कि उन कंपनियों में वो खास करके जो एंसिलरीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं मेन मेन कैपिटल इक्विपमेंट कंपनीज को, मेन कैपिटल इक्विपमेंट कंपनी को मार्केट रिस्क लेना होता है, कस्टमर रिस्क लेना होता है, छोटी कंपनियां जो बड़ी कंपनी को देती है मार्जिन कम होता है लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो कंपनियों में अगर आप अगेन ठीक से रिसर्च कर रहे हैं तो काफी काफी उम्दा अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने में शंकर की जो आपका पोर्टफोलियो इस समय है उसका अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप हाई ग्रोथ कंपनीज हाई ग्रोथ सेक्टर्स पे बेट कर रहे हैं, इंडिया पे बेट कर रहे हैं स्मॉल कैप ज्यादातर, तो आप मुझे बताएं कि आप 30-40% अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी का पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं या उससे भी ज्यादा? कहीं में हो सकता है भगवान की दया रही तो उससे भी ज्यादा मिल जाए, लेकिन बड़े आराम से 30% मुझे नजर आता है बिकॉज ये छोटी कंपनियां हैं, इनके साइजेस कम है, अगर छोटा बेस पर अगर वो 30-40% डिलीवर ना कर पाए तो वो निवेश का कोई मतलब ही नहीं था, तो बड़े आराम से 30-40% मुझे मुझे नजर आता है बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अब जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का साइज है उसका मतलब ये है अजय के हर अगर आप इंडिया को 5 हिस्सों में बांटे नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल एंड ईस्ट वेस्ट तो हर क्षेत्र ऑन औसत तौर पे एक 500 से 700-800 बिलियन का एक ब्लॉक है विच इज इक्वल टू द जीडीपी ऑफ सऊदी अरब, इट इज इक्वल टू और स्लाइटली बिगर देन द आई थिंक इट इज 2 टाइम्स बिगर देन द जीडीपी ऑफ यूएई, जो एक एक हिस्सा है भारत का इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यहां पर मैं इंडिया को एक पांच पांच हिस्सों में बांटकर देखता हूं तो ये मेरे को एक कंट्री के नजर ही नहीं आता, मुझे लगता है कि अब एक एक साइज हो गया एक एक क्षेत्र का कि मैं उसको वही पर जो महाराष्ट्र में बेच रहा हो कोई आदमी चनाचूर बेच रहा हो या कुछ भी बेच रहा हो अगर उसको ही मैं प्ले कर लूं
वहां भी बहुत बड़े पैसे बन जाएंगे, बिकॉज वो इक्वल टू सेलिंग इन सऊदी अरेबिया है, आप समझो। तो मैं इंडिया को उस तरह से अगर सही बात देखना है, स्टार्ट करूं, और मैं देखता हूं तो एक बहुत स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम अप आर ह्यूज, एंड वहां 30-40-50% अर्निंग्स ग्रोथ में मुझे नजर नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम है सर। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे मैं यही पूछूंगा आपसे, आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और आप इकोनॉमी के डेमोग्राफिक्स जो है उस कंट्री के कैसे शेप अप हो रहे हैं इस पर ये बहुत पैनी नज़र रखते हैं, मैंने देखा है। जब आप वापस भारत आते हैं कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप दुनिया भर में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, यूएस का जो हाल है, चाइना का जो हाल है, उसके कंपेरिजन में इंडिया का डेमोग्राफिक, स्पेंडिंग, एज, गवर्नमेंट का रोल वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आए दिन HNI इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हमसे ये पूछते रहते हैं साहब दुनिया भर में इतनी डरावना माहौल है ग्रोथ को लेके, उसकी आंच तो इंडिया पर भी आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने अपने ट्रैवल से और अपने अनुभव से? अनुभव यही कहता है, और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ बहुत देशों में, अनुभव यही कहता है मुझे और जो मैं देखता हूँ ये कहता है कि भारत की जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड लोग कहते हैं कि अब इस डेमोग्राफिक्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, कितने यंग लोग हैं जो 25-27 साल के उम्र के, तो मैं ये कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी अपने आप से उत्पन्न होंगी टू टेक केयर ऑफ दिस पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बना देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज की डेट में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग देखें, राइट, या IT सर्विसेज देखें, तो आपको आश्चर्य होगा, मे भी शायद आप जानते भी हो, कि ये आज की डेट में डिब्रूगढ़ में बैठ के कंपनियां ग्लोबल कंपनियों का सर्विस करती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऑस्ट्रेलिया के कोई स्पा का अगर डिजिटल मार्केटिंग, तो पता चलता है कि साहब वो जयपुर में एक कंपनी कर रही है। तो आप देखो, पहले ये बॉम्बे और बैंगलोर और दिल्ली और गुड़गांव में होते थे, आज की डेट में ये अब परकोलेट होके BCDE टाउन्स तक पहुंच गए हैं, जहां पर कि टैलेंट इज अवेलेबल प्लेंटिफुली एंड चीप है। एंड अब वो अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इज अवेलेबल, देयर एड्रेसेबल मार्केट इज ग्लोबल। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अपने आप अपने अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न करेगा। सरकार तो जो करेगी करेगी, सरकार एक एनेबलर है और एनेबलर का रोल निभाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो ये क्रिएटिव एनर्जी है वो अपने आप एक वो ऊर्जा अपने आप एक मोमेंटम क्रिएट करेगा देश के लिए। आपको उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है कि मैं क्या करके दे रहा हूँ सरकार। मेरा ये मानना है यंग पीपल क्रिएट देयर ओन वे एंड देयर ओन अपॉर्चुनिटीज, और मैंने डिब्रूगढ़ का एग्जाम्पल दिया या जोधपुर का एग्जाम्पल दिया, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ कि यार इतनी छोटी छोटी जगहों से लोग ऑस्ट्रेलिया की मार्केटिंग कर लेते हैं, और कोई लैटिन अमेरिका की कंपनियों कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ का, मतलब ये अपने आप में एक मतलब काबिले तारीफ है साहब, कि इतनी एनर्जी है हमारे देश में कि स्मॉल टाउन्स आर नाउ कंपीटिंग टू विन बिजनेसेस फ्रॉम इंटरनेशनल कंपनीज। शंकर, एनर्जी और ऊर्जा से याद आया कि आप में भी कमाल की एनर्जी है। आप इतनी क्लोजली दुनिया भर के मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती भी करते हैं, आए दिन शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। और मैं आपको बता दूं ये बात कि हमारे व्यूअर्स में एक बहुत बड़ा आपके फॉलोअरशिप का तबका है। जाने से पहले बताइए कि अपने ऊर्जा का सीक्रेट, आपका जो सीक्रेट है वो क्या है ऊर्जा का, ये भी शेयर करते हुए जाएं। 2023 के लिए हमारे व्यूअर्स को क्या सीख देंगे, ये ऊर्जा कैसे लाएं? ऊर्जा लाने का साहब, अगर आप स्वास्थ्य के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन वो 80-80% एरिया में डिसिप्लिन्ड हूँ। 20 बजे, कल रात को एक पार्टी थी, मैं रात को 2 बजे घर वापस आया हूँ, तो अब आज मैं पूरा दिन डिटॉक्स करूंगा, मैं ग्रीन जूस पीऊंगा, मैं मतलब कोई कुक्ड फूड नहीं खाऊंगा, ऑब्वियसली आई विल नॉट टच अल्कोहल टुनाइट। तो ये भी एक पोर्टफोलियो है साहब, ऐसा नहीं है कि आप सारी खाली HDFC बैंक और हिंदुस्तान लीवर के ही ऊपर आप निर्भर रह सकते हो, आपको कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा, थोड़ा 3G के आप कोई शेयर खरीदते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको एक पोर्टफोलियो, एक बैलेंस्ड वे में आपको लाइफ को, लाइफ लाइफ भी एक पोर्टफोलियो है। तो मैं इम्बैलेंस करता हूँ लाइफ में, मैं मजे करता हूँ, शराब पीता हूँ, लेट नाइट करता हूँ, पार्टी करता हूँ, लेकिन उसको बैलेंस भी करता हूँ। तो लाइफ में आप बैलेंस रखें, संतुलन रखें, की इज संतुलन, डोंट गो एक्सट्रीम टू एनी साइड, वरना आप बिल्कुल संत और मुनि बन जाए तो फिर फायदा भी क्या हो रहा है पैसे कमाने का। तो मैं मेरा यही कहना है, लाइक पोर्टफोलियो बैलेंस, आपके 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 हेल्थ का भी एक बैलेंस, लाइफस्टाइल का एक बैलेंस होना चाहिए।
क्या बात है, शानदार, बहुत ही बढ़िया। शंकर, इस साल के पहले इंटरव्यू में आपसे बात करके बहुत ही मजा आया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही एक तरफ ज्ञान भी मिला और दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव भी मिला लाइफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपका दिन एकदम रिलैक्सिंग हो, आज आप पूरा रिलैक्स और डिटॉक्स करिए। आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।